जी तुम्हारी कह रही है, बस मोहम्मद अहमद को भी बुला लेना, ठीक है? वो आ जाएगा अभी 10-15 मिनट बढ़िया, तक। कौन है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से हैं। बस मेरी तबीयत, अल्लाह का शुक्र है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा ठीक हो गया। मोहम्मद अहमद को हमने पकड़ लिया, बीमार होने से पहले ही थोड़ा सा उसका कफ हो रही थी और थोड़ा सा उसके सर में पेन शुरू हो गया। हाँ जी, तो उस साथ ही हमने ना डॉक्टर से मेडिसिन लिखवाई। और जी ये होता है माओ के साथ, जितना मर्जी कर ले, मेरे हस्बैंड ने बहुत मेरा साथ दिया है, उन्होंने बहुत अच्छी टेक केयर किया है। कल तक मेरे से उठा नहीं जा रहा था, कल रात तक, और बहुत बुरी हालत थी। बस ड्रिप्स पे ड्रिप्स लगी जा रही थी, 2 दिन हो गया मुझे ड्रिप्स लग रही हैं। कल रात को भी 1-1.5 बजे लगवाई है ड्रिप, और आज अभी सुबह भी लगाई है, और आज अभी शाम में 9 बजे के करीब भी वो ड्रिप लगा के गए हैं। अब हमने घर पर बुला लिया है, पहले हॉस्पिटल पे आ रहे थे लेकिन फिर बच्चों का बड़ा प्रॉब्लम हो जाता था, तो फिर इसलिए जो है ना हमने घर पे ही अरेंज करवा लिया। लेकिन हम जो लेडीज़ हैं, हम जो औरतें हैं ना, वो सुकून से नहीं बैठ सकती। आज ज़रा सा मेरा ना, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, हम जो लेडीज़ हैं ना, हम लोगों को सुकून नहीं आता, हम लोग सुकून से बैठ नहीं सकते। हम लोग मतलब हम लोगों के अंदर ना कोई कीड़ा है, कुछ इस तरह की चीज़ है। और वैसे भी जो अकेले होते हैं ना, फिर ऐसे ही होता है। 1 मिनट मिली थी अल्लाह का, अल्लाह करके, शुक्र करके 4 दिन उसने काम किया है, पे लिया अपनी, और जी मैडम भाग गई। बस जी आज थोड़ी सी तबीयत सुबह ठीक हुई थी, तो सोचा कि हस्बैंड के कपड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि सर्दियाँ हैं ना, फिर ड्राई भी नहीं होते, तो बस उठ के बस वो मशीन में कपड़े डाले हैं। और बच्चों के भी यूनिफॉर्म ज़्यादा हो रहे थे, क्योंकि बच्चों के हो रहे हैं पेपर, बच्चों पे भी तवज्जो नहीं दी जा रही। तो बस जी आज सारा जो है ना घर आहिस्ता 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 थोड़ा थोड़ा समेटा है, जो सारा बिखरा हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह सिमट गया। कपड़े भी हो गए, बच्चों को खाना भी दे दिया। हाँ, खाना नहीं मैं बना रही अभी, खाना जो है बस हस्बैंड बच्चों को खिला देते हैं, मंगवा देते हैं, तो खिलाती मैं ही हूँ, क्योंकि खाना उन्होंने किसी और के हाथ से नहीं है, खाना उन्होंने मेरे ही हाथ से है। और क्या कहते हैं उसका नाम, बस क्या करें, बच्चों के साथ करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। तो बहरहाल लेकिन हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया आज थोड़ा सा, बस मैंने कहा चलो अब उनको भी रिलैक्स करूं। लेकिन अब जो है ना, अब थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने लग गई है दोबारा, और हस्बैंड बोल ही जा रहे कि बस कर दो, मैंने तुम्हें कहा कि मत करो, पानी में हाथ नहीं डालो। लेकिन क्या करूं, अगर मैं ये नहीं वॉश करूंगी तो इतने ज़्यादा हो जाएंगे, तो फिर मुझे बताएं। और ये 3-4 दिनों से ये यहाँ पे आया हुआ था, और जब मैंने एक हाथ से बर्तन जोड़े हैं ना, मुझे पता है जिस तरह मैंने जोड़े हैं। और बस बच्चों के साथ ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे नहीं समझते ना कि उनको मतलब क्या है क्या नहीं है माँ को। हाँ, जब ड्रिप लगती है ना, फिर वो थोड़ा सा वो हो जाते हैं, लेकिन अब जो है ना थोड़ी सी हालत बुरी हो रही है। तो मैंने कहा चलें मैं शेयर करती हूँ, और अपनी रूटीन के, इंसान बीमार भी हो ना, इंसान नहीं, लेडीज़ बीमार भी हों, औरतें बीमार भी हों, हाउसवाइफ बीमार भी हों, माएँ बीमार भी हों, उनकी रूटीन, उनकी वो चीज़ें जो है ना वो ख़त्म नहीं होती। तो बहरहाल क्या करें, करना पड़ता है सारा। चलें अभी तक के लिए इतने, बाकी देखते हैं। अब मैं ज़रा अंदर जा रही हूँ, क्योंकि अब बिल्कुल कमर में हिम्मत नहीं हो रही, ना बात के इतनी कफ हो रही है ना कि ज़रा सी जो होता है ना, और गला खुश्क हो रहा है, ड्राई हो रहा है, लकड़ी की तरह हार्ड हो रहा है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा वो जो है ना हार्ड हो रहा है। अभी ये पानी भरना है, और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं ये पानी कैसे भरूँ। मेरे से बच्चों के लिए ये डेली पानी भी भर रही थी, और उन दिनों में तो कल रात तक तो मेरी बहुत बुरी हालत थी, बल्कि सुबह तक, सुबह जो ड्रिप मुझे लगी है ना, उसके बाद मेरी तबीयत बेहतर हुई है। चलो अब देखते हैं, करती हूँ ये, देखते हैं क्या करती हैं। ये देखें जी, अभी मैं अपनी घर से लगवा के फ्री हुई हूँ, और हस्बैंड आए हैं अभी, वो बंदा निकला भी नहीं है लगा के मुझे। और साथ ही जी हम दोबारा हॉस्पिटल में आ गए हैं इस बच्चे को लेके, क्योंकि ये कल से जो है ना बुखार, तो इसका फीवर तो उतर गया हुआ था, लेकिन ना पता नहीं आज सुबह से ये डाउन था। और अभी मैंने बुखार चेक किया तो इसका 100 बुखार आ रहा था, और फिर अब उसको हॉस्पिटल लेके आए हैं।
नहीं नहीं ईद दिखाओ सबको दिखाओ। ये देखें जी मेरे बेटे का दांत निकल रहा है, तो अब ये लगा है ना, तो इस वजह से ये रो रहा है। तो अब उन्होंने भी इसको भी वही वाली ड्रिप्स वगैरह लगा दी हैं। चलो ठीक हो जाएगा मेरा बेटा। आज मेरा बेटा हमें जो कह रहा था मामा वो निकालो ट्रॉली बैग निकालो उसमें पपड़े डालो और रेडी हो और हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? इस्लामाबाद के मरी कहाँ जाना है? चल चलो जी वापस हम आ गए हैं। मोहम्मद मस्फा को लग गई है ड्रिप और ये जो सारा सामान देख रहे हैं ये ड्रिप्स वगैरह हैं मतलब, और ये मेडिसन्स हैं। ये मेरी ड्रिप हैं, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा की ड्रिप्स हैं और ये मोहम्मद अहमद की मेडिसन हैं, क्योंकि अभी मैंने ना उसको दिया है दूध। ये देखिए दूध पी रहा है बेटा। उठ जाओ मेरा बेटा, मैं सद के जाऊँ ऊपर। उठो ना, मैं यहाँ पे मैट्रेस बिछाती हूँ ना, तो फिर लेट ना। अभी ज़मीन से उठ जाओ, ठंडी ज़मीन है अभी। आपको वो लगी है, अभी लगी है ना, फिर और हाई हो जाएगी, फिर दूसरे हाथ पे भी ना लग जाए। उठ जाओ, शाबाश। ये भाई साहब ने ये कारनामा किया कि वहाँ पे हस्बैंड लेके इसको अंदर गए हैं, क्योंकि मेरे से ना खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। मेरी बैक में बहुत ज़्यादा शदीद पेन है, पता नहीं शायद वीकनेस की वजह से या किस वजह से, क्योंकि खाना पीना तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। ये बच्चा भी बिल्कुल नहीं खा रहा, बिल्कुल भी नहीं। ये पूरे एक हफ्ते से भूखा है और मैं भी, मतलब लास्ट हमने खाना खाया है मैंने तो वहाँ पे अपने जो डिनर किया हमने एनिवर्सरी डिनर, उसके बाद नहीं। तो इसको लेके अंदर गए हैं, ये गाड़ी में मेरे पास बैठा हुआ था और इस भाई साहब ने कर दी वॉमिट, और ठीक ठाक वॉमिट की, शुक्र है। ये मतलब पास ही बैठा हुआ था, मैंने कहा बेटा दरवाज़ा खोलो और फेस अपना बाहर कर दो। फिर इसको मैं अंदर लेके गई हूँ इमरजेंसी में, वहाँ पे हस्बैंड भी थे, इसको भी चेक करवाया। इसको भी जो 100 फीवर था उन्होंने कहा जी ड्रिप्स लगवाने, क्योंकि ये वायरल ऐसा हुआ हुआ है कि ना मतलब ड्रिप्स के बगैर नहीं जा रहा, मेडिसन से, मेडिसन का इस चीज़ पर असर ही नहीं हो रहा, तो जो भी हो रहा है ना वो ड्रिप्स ही लगानी पड़ रही हैं। तो फिर हमने कहा नहीं, इसका अभी 100 है, अल्लाह करे स्टेबल है, हर चीज़ ठीक है, थोड़ा सा एक्टिव भी है, कभी कभी कहता पेट में दर्द हो रही है, मोशन थोड़े से, तो हमने कहा नहीं इसको रहने दें, आप इसी को लगाएं। तो अभी इसकी हमने डॉक्टर से, और हालांकि इसकी मेडिसिन वो चल रही हैं, ये इसकी मेडिसिन थी और यहाँ पर मोहम्मद मुस्तफ़ा का पूरा जो है ना वो लगा हुआ था, क्योंकि मोहम्मद मुस्तफ़ा का आज लास्ट डे था। 5 डेज़ का कोर्स था इसका, वो कम्प्लीट हो गया है, और इसका 5 डेज़ का कोर्स था, वो इसका ट्यूसडे को ख़त्म होना था। तो फिर क्या हुआ कि ये अभी चल रही हैं और मज़ीद मेडिसन आ गई हैं। बहुत बुरी हालत है, हॉस्पिटल्स बहुत भरे हुए हैं। यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि केयर करें, बहुत ज़्यादा केयर करें, ख़ास तौर पे बच्चों की केयर करें, मदर्स केयर करें, क्योंकि अगर मदर केयर नहीं करेंगी ना अपनी, तो वो फिर बच्चों के लिए भी कुछ नहीं कर सकेंगे। इस टाइम मुझे पता है जो मेरे साथ हो रहा है या जो मेरी हालत है, बच्चे तो रो लेते हैं ना, अपना रोने के साथ वो निकाल देते हैं, तो हम लोग तो रो भी नहीं सकते, हम लोग तो किसी को कह भी नहीं सकते, अपनी तकलीफ़ बता भी नहीं सकते। मदर्स जो होती हैं वो अपनी तकलीफ़ किसी को नहीं बता सकती हैं, तो उनको जो भी होता है उन्होंने बस वो अंदर अंदर ही रखना होता है। तो बहुत दिल का बाज़ दफ़ा भारी भी हो जाता है, ख़ास तौर पर आप हालाँकि मतलब जितनी मर्ज़ी कोई केयर कर रहा हो, लेकिन उस टाइम जो होता है ना आपको अपनी माँ की बहुत याद आ रही होती है। जैसे अब मेरे बच्चे बीमार हैं ना, तो मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाबा की जान है, और बाबा की ख़ास तौर पर जब बच्चे बीमार होते हैं ना तो थोड़े से मेरे साथ नाराज़ भी होते हैं, थोड़ा सा गुस्सा भी करते हैं, हालांकि हमने थोड़ी बीमार किया, लेकिन बाप जो होते हैं ना वो फिर ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही रिएक्ट दिखाते हैं, क्योंकि वो और किसी पे निकाल नहीं सकते, लेकिन हम मदर हैं, हम कैसे उनको कुछ कर सकते हैं। और फिर भी जो बच्चे हैं ना वो बाप से वो नहीं करते, नहीं लेते, क्या कहते हैं उसका नाम, मेडिसन्स नहीं लेना, खाना नहीं खाना, वॉशरूम नहीं जाना, वो जो भी करना है मदर्स ने ही करना है। इसी तरह ना मेरा भी यही है, मतलब मदर कि इस टाइम पे ना अपनी जो मदर्स होती है ना वो बहुत याद आ रही होती है। बस क्या कह सकते हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नत फरदौस में जगह अता फरमा। दिल से दुआ है कि बस कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते, बस दुआ ही कर सकते हैं। बहुत 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 जो है ना वो अशद ज़रूरत होती है इस टाइम।
चले जी, बहरहाल आप वीडियो का एंड करती हूँ। अपनी अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा केयर करें, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, घर से कम निकलें। और वैसे हमारे तो आगे और भी प्लान थे, अब देखें वो प्लान हमारे कामयाब होते हैं कि नहीं होते, क्योंकि हमें वेट सिर्फ इस चीज़ का था कि हम मोहम्मद अहमद के पेपर हो जाएं, एग्ज़ाम्स हो जाएं, तो फिर उसके बाद बल्कि उसी दिन या उससे नेक्स्ट डे हमने निकलना था। लेकिन अभी बच्चे ही नहीं ठीक हो रहे, मैं नहीं अभी स्टेबल हो रही, वीकनेस हो रही है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से ना वो फिर थोड़ा सा आप देखते हैं क्या करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। बिट्टू बैठ जाओ मेरे, सुनो। चले जी, अब मैं इनको लेटाऊँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 12:30 से ऊपर टाइम है इस टाइम जो है ना। हाँ, 12:10 हो गए हैं और उसने सुबह पेपर देने भी जाना है, एग्ज़ाम देने जाना है, अभी उसका मैथ का दिमाग खपाई उसका पेपर है, तो अब उसको भी लटाती हूँ, आपसे लेती हूँ इजाज़त। इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।